हरे कृष्णा, आज हम चंद्रभागा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तुकाराम जी अपने अभंग में कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरी चातीरी, माझी बहीण चंद्रभागा करीतिसे पाप भंगा, करीतिसे पाप भंगा, करीतिसे पाप भंगा। इस प्रकार से चंद्रभागा को माझी बहिणा, मेरे बहिन कहते हैं। चंद्रभागा ये भीमा नदी है। सह्याद्री पर्वत में भीमा शंकर नामक एक स्थल है। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। वहां से भीमा नदी तुलजापुर में आती है, जहां इंद्रायणी नदी उनसे मिलती है। फिर बहते बहते नरसिंहपुर में आती है, जहां नीरा नदी उनसे मिलती है। इस प्रकार से दक्षिण की ओर बहते बहते पंढरपुर में आती है, जहां चंद्र के आकार का रूप लेती है। इसीलिए उनका नाम चंद्रभागा होता है। तो चंद्रभागा कौन है? त्रिप्रासुर नामक एक दैत्य था। वो सभी देवताओं को परेशान करता था, इसीलिए देवताएं भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव त्रिप्रासुर के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते समय उनका एक पाँव धरती पे और एक पाँव नंदीश्वर में था। तब युद्ध में उन्होंने त्रिप्रासुर को मार डाला और युद्ध करते समय उनको बहुत सारा पसीना बह रहा था। यही पसीना भीमा नदी का स्वरूप लिया और भगवान को मिलने के लिए भीमा नदी बड़े वेग से पंढरपुर की तरफ आ रही थी। पंढरपुर वासियों ने जब भीमा नदी का वेग देखा तो भयभीत होकर वहां के क्षेत्रपाल भैरव जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो भैरव जी भीमा शंकर के पास आकर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वेग को कम कर दीजिए, पंढरपुर में शांत हो जाइए और शांति से यहाँ बहिए। तो वहाँ शांति से बहती हैं भीमा नदी, इसीलिए भैरव जी उन्हें वर देते हैं कि आप पाप विनाशिनी कहलाओगी। करीति से पाप भंगा, जो भी चंद्रभागा में स्नान करता है वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा, इसका और एक कथा है। कहते हैं, चंद्र की बुरी दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर था। तो बृहस्पति ने चंद्र को शाप दिया कि आप क्षय हो जाओगे। तब चंद्र गिड़गिड़ाए और बृहस्पति ने कहा, तुम भीमा नदी पर जाके स्नान करो और विठल जी का दर्शन लो। तब चंद्र भीमा में आते हैं, स्नान करते हैं, विठल जी का दर्शन लेते हैं और वहां तपस्या करते हैं। तो चंद्र को वर मिलता है कि 15 दिन यानी कृष्ण पक्ष में आप क्षय हो जाओगे और फिर शुक्ल पक्ष में आप पुनः बढ़ जाओगे। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को चंद्रभागा कहा। भीमा नदी को इस प्रकार से इस नदी का नाम पड़ा चंद्रभागा, क्योंकि चंद्र अपने शाप से मुक्त हो गए, अपने पाप से मुक्त हो गए। इसीलिए यहाँ संत कहते हैं, हमारी बहन है, हमारी बड़ी बहन है चंद्रभागा, हमारे हाथ पकड़कर विठल जी के पास ले जाती हैं। चंद्रभागा के तट में ही पुंडलिक का समाधि है, पुंडलिक का मंदिर है। चंद्रभागा के तट में ही इस्कॉन का भी मंदिर है। तो चंद्रभागा में भक्त आते हैं, स्नान करते हैं और हरि 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 विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, इस प्रकार से जय घोष करते हैं। हरे कृष्णा।